स्वच्छ भारत अभियान ऐसा अभियान जिसे लेकर देश भर में क्या क्या नहीं हुआ। कई जगह नेता झाड़ू लेकर सेल्फी खींचते नजर आए तो कई जगह कूड़ा फैलाकर फिर उसे साफ करवाया गया। कई जगह तो बिल्कुल स्वच्छ जगह पर झाड़ू फेर दिया गया। ऐसे ही न जाने कितने ही ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन इस बार एक अलग तरह का वाकया सामने आया है। दरअसल सोनीपत गढ़ी ब्राणान गांव में स्थित स्कूल को नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने डंपिंग साइट बनाकर रख दिया है, जहां पर देश का भविष्य तैयार हो रहा है। उस जगह की ये हालत देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। अब हालत ये हो गई है कि बच्चों और अध्यापकों को यहां पर मुंह पर रुमाल लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। डीसी साहब, एसडीएम साहब, अपने कमिश्नर साहब सब इसके विजिट पर आए हैं। अखबार में मैंने न्यूज दी, जितना मेरे से उसका उतनी मैंने पूरी कोशिश की। नगर निगम ने ये मैं जैसे आई थी, मेरे से पहले ही ट्रॉली में बर्त सब भरा हुआ था। यही बताया गया था कि नगर निगम में जितने रोड फटते हैं उन रोडों का मलबा यहाँ डाल दिया जाता ताकि रोड को भरा जाए। कई बार नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन उनकी नींद है कि टूटती नहीं। अब तो ये जगह स्कूल कम, डंपिंग साइट ज्यादा लगती है। साथ ही इस जगह पर गंदे पानी के तालाब ने भी जन्म ले लिया है। इससे देश का भविष्य जहां खतरे में है, वहीं सरकार के स्वच्छता के दावे भी हवा हवाई नजर आते हैं। बेशक सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यालयों के पास स्वच्छता रखने के निर्देश दिए हों, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल गलत है अगर इस प्रकार से कोई बात है तो, क्योंकि सभी स्कूलों को और सभी विभागों को दिशा निर्देश है कि अपना परिसर, अपने स्कूल्स और सभी ऑफिस साफ और स्वच्छ रखें। अगर इस प्रकार का मामला है और इसमें कोई कोताही बरती गई है किसी विभाग द्वारा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तो पूरी कोशिश है कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया जाए, लेकिन अधिकारी है कि सुनते ही नहीं और बार बार इस अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बीच डीसी साहब से इसे लेकर बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया, लेकिन किस पर क्या कार्रवाई होती है ये आप बखूबी जानते हैं। अब देखना ये है कि क्या नगर निगम के अधिकारी नींद से जागते हैं या फिर लंबी नींद में ही सोए रहना चाहते हैं। देहरादून में सड़क किनारे युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि शव के सिर पर गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन की है, लेकिन अभी तक युवक की हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए, जो लास्ट डिटेल है वो बगल में जिस जहां डेड बॉडी पाई गई उसके ठीक सटा हुआ एक लॉज है, और उस लॉज में 14 तारीख को आना, 15 तारीख को जाना दिखाया गया है। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जिस तरह से डेड बॉडी पड़ी हुई है उसी लॉज के पास ही पड़ी हुई, हम उसके सारे पहलुओं को हम तलाश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पेहोवा के सारसा गांव में चंद जमीन के टुकड़ों के लिए मासूमों के कत्ल करने वाले चाचा की एक और करतूत का खुलासा हुआ है। कातिल चाचा 2016 में अपने 13 साल छोटे भाई का भी मर्डर कर चुका है। पुलिस रिमांड के दौरान खुद आरोपी ने ये बात कबूली है और माना है कि उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई का गला घोटा, फिर हत्या के सबूत भी मिटाए। पुलिस ने अब आरोपी चाचा पर 4 हत्याओं का मामला दर्ज किया है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ पर उसने ये भी कबूल किया था कि मार्च 2016 में उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपने छोटे भाई की भी हत्या करके उसको फांसी को लटका दिया था और आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था उसका जी। जिसके संबंध में एक अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं वो सभी फाइल पर रखे जा रहे हैं। बता दें कि आरोपी ने अपने मासूम भतीजों को मेला देखने के बहाने पंचकुला में मौत के घाट उतार दिया था। तीनों बच्चे शाम को अचानक घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गए थे और जब उनकी तलाश की गई तो मोरनी हिल्स में उनकी लाशें मिलीं।